Hey guys, what's up? Welcome back to my new vlog. और अभी सुबह के you won't believe कि कितने बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ स्टेशन क्योंकि सोफिल के मॉम एंड डैड आ रहे हैं आज. उसकी सिस्टर ऑलरेडी आई हुई थी तो उनको यहाँ पे कुछ काम है. उनकी जो सोफिल की जो दोनों सिस्टर हैं उनके कुछ रिश्ते की बात करनी है उनको, तो वो दिल्ली आ रहे हैं 2 दिन के लिए एंड शायद उनकी मॉम हमारे साथ थोड़े दिन और रुकेंगी. तो यस, चलते हैं स्टेशन, उनको लेके आते हैं और आगे का दिन जैसे भी जाता है आपके साथ शेयर करूंगा. कैन यू गाइस सी बाहर का नज़ारा? अभी तक इतना अंधेरा है कि कुछ दिख नहीं रहा है. सो गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूं गाजियाबाद रेलवे जंक्शन और मैं टाइम पे ही हूं. इनफैक्ट मैं 5 मिनट पहले ही आ गया हूं, बट मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है क्योंकि कल भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और कल रात को मतलब कि मेरी बहुत ज़्यादा बैक में और नेक पे पेन हो रहा था तो मुझे नींद भी नहीं आई प्रॉपरली और मैं बहुत लेट सोया था और सुबह जल्दी भी उठ गया हूँ. बट यस, अब जल्दी से मिलते हैं पापा मम्मी से. और वैसे तो मुझे उनके सामने थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने में शर्म आएगी तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, अदरवाइज़ मैं सीधे घर जाके आपको मिलवाऊँगा उनसे. सो लेट्स गो. पैर में चोट लग गई ना. तो गाइज, मैं ले आया हूँ मॉम एंड डैड को और स्वप्निल का एकदम खुशी का ठिकाना नहीं है. शी इज सुपर हैप्पी, मतलब कि सुबह 6 बजे से ही उठी हुई है. 5:30 से उठी हुई है और रात में भी ये 1:30-2 बजे ही सोई है जब तक कि सब कुछ उसको अपडेट नहीं मिल गए कि कहाँ पे पहुँचे हैं, कब. तो पापा ने ट्रेन नहीं ले ली. तो आज का क्या प्लान है स्वप्निल सर? अभी नाश्ते में मेरा फेवरेट पोहा बनेगा जो कि तुम बनाओगी. हाँ. ओके. और लंच में शायद बाहर जाएंगे. Yes. अभी फिलहाल मैं और स्नेहिल से हाय. हेलो. हम दोनों जा रहे हैं जिम क्योंकि स्वप्निल ऑफ कोर्स नहीं जा सकती तो हम दोनों जाएंगे और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ. गाइस, मैं और स्नेहिल हम दोनों निकल चुके हैं जिम. और तुम जिम करती रहती हो ना? हाँ, रेगुलर. लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम. बैंगलोर में? यस, बैंगलोर. तो स्नेहिल आज मुझे ज्वाइन करेगी जिम में और अब आपको मिलते हैं सीधे वर्कआउट के बाद. A few moments later. So guys, मैं वापस आ चुका हूँ जिम करके. सॉरी, मैं जिम का रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट कुछ था नहीं आज सच देखने के लिए. और यहाँ पे स्वप्निल उठ चुकी है, मतलब कि वो तो उठी हुई थी बट हाँ, इसने पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना दिया है. इसने बनाए हैं अपने स्वप्निल स्पेशल वाले पोहे. लेट मी शो इट टू यू. एंड यहाँ पे चाय बन रही है. जो लड़की सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं उठती, 10 बजे मुझे रोज़ ब्रेकफास्ट मिलता है. आज 9:15 हो रहा है और ब्रेकफास्ट भी रेडी है, चाय भी रेडी है एंड शी इज़ ऑल अवेक. मतलब कि आप देख सकते हैं जब कोई घर से आता है तो क्या इनकी एक्साइटमेंट होती है. टेस्टी बनाया है? हाँ, आज तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बना होगा, है ना? क्या बातें हो रही हैं? क्या आपके कपड़े कहाँ गए? तो यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं. मम्मी के पैर में चोट लग गई है और स्वप्निल अपना दूध पी रही है. ठीक है, इससे अभी 12 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ हॉस्पिटल के लिए. एक्चुअली क्या हुआ है कि स्वप्निल की मॉम जब सुबह स्टेशन से आ रही थी तो वो गिर गई थी जिसकी वजह से उनके पैर में बहुत मूँच आ गई है. नॉट श्योर कि क्या है, फ्रैक्चर है या फिर एक जस्ट हेयर लाइन या फिर कुछ ऐसी मूँच आई है. तो अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उनको तो अभी हम सब लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं. तो मैं गाड़ी लेके आ गया हूँ. एक्चुअली मेरी लिफ्ट वर्क नहीं कर रही थी तो वो पैदल आ रही हैं. आई होप कि सब कुछ ठीक हो क्योंकि जब कोई कहीं पे जाता है तो ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे जाके इन्जॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट जब बीमार पड़ जाते हैं देन इट बिकम्स वेरी बैड. सो लेट्स होप. The next day. Hey guys, so it's the next day और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम सब लोग जा रहे हैं आज लंच पे. और ये रही मम्मी जी जो कि एकदम रेडी हैं. और आपका पैर कैसा है? ठीक. बट इनके पैर में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई है अभी. और ये रही स्वप्निल जो कि पूरी तरह से रेडी हो गई है. और ये रही स्नेहिल. और हम सब लोग जा रहे हैं लंच पे. फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे और पापा वहाँ पे पीछे गेट लॉक कर रहे हैं. अब देखिए कैसे हम लोग 5 लोग एक गाड़ी में बैठने वाले हैं. यहाँ पे स्वप्निल बैठी है, यहाँ पे बीच में मम्मी और बीच में स्नेहिल मुंह की छुपा रही हो. ये देखिए कैसे 5 लोग बैठे हैं. हम लोग पहुंच चुके हैं येलो चिलीज और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर.
और आपको दिखाते हैं कि क्या खा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। सबसे मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है ये, है ना। अच्छा, तो गाइस हमारा लंच हो चुका है और हमने ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खा लिया है। और ये पीछे से स्नेल, आप इतनी तेज नींद आ रही है, घर जाके चाय पियेंगे फटाफट और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हे गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे और आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज मुझे जाना है ऑफिस। कितने टाइम बाद जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, आई थिंक 1 या 2 महीने बाद। और जो मैं लास्ट टाइम गया था वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए गया था और बहुत सालों बाद, मतलब कि कम से कम 4 या 5 साल बाद। तो मोस्टली वर्क फ्रॉम होम है। तो आज क्या है, ऑफिस में एक्चुअली एक स्पेशल इवेंट है जिसमें सारे ऑल ओवर इंडिया से सब लोग, सारे मैनेजर्स वगैरह सब लोग आ रहे हैं। तो आज मैं अपनी पूरी टीम से पहली बार मिलने वाला हूँ मेरे नए ऑफिस की। सो आई एम सुपर एक्साइटेड और पूरे दिन का इवेंट है, बट मैं जल्दी निकल जाऊँगा। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या पहन रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली सेमी फॉर्मल में जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक जीन्स रखी हुई है डार्क ब्लू, जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सेमी फॉर्मल कैटेगरी में आ जाती है। और ये लाइट ब्लू है जो कि मैं शायद नहीं पहनूंगा, ये रही स्वप्निल। और इसके अलावा मैं ये पहनूंगा जैकेट जो कि मैंने ज़ारा से ली थी ब्लैक फ्राइडे सेल में, और ये थोड़ी सी फॉर्मल में है और ये मुझे पड़ी थी आई थिंक 2,500 रुपये की, बट या इट्स वेरी नाइस। तो मैं ये पहनूंगा। और आज मुझे एक्चुअली ऑफिस नहीं जाना है, बेस्ट पार्ट है कि मुझे आज जाना है जेपी ग्रीन्स, जो कि बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। एंड मेरा बहुत टाइम से मन था, सपना मेरा कि हम वहाँ पे कभी जाएंगे, बट चलो इसी बहाने से ही मैं जा रहा हूँ और फिर देख के आऊँगा कि कैसा है वहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट सब कुछ वहीं पे है, लंच डिनर, बट मैंने थोड़ा सा खा लिया है नाश्ता ताकि प्रॉब्लम ना हो मुझे। तो फटाफट से रेडी होता है एंड देन आई विल सी यू। सो गाइज, आई एम ऑल सेट, लेट मी शो यू हाउ इट्स लुकिंग। सो दिस इज माई टोटल आउटफिट। ब्लैक टी शर्ट मैंने अंदर पहनी हुई है, ऊपर ये ज़ारा की जैकेट, और नीचे मैंने पहने हैं ब्लू डेनिम्स जो कि आई थिंक काइंड ऑफ सेमी फॉर्मल लुक दे रहा है। सो यस, चलते हैं बिकॉज 10 यहीं पे बज गए हैं और 10 बजे का अराइवल टाइम था। लेट्स गो। सो गाइज, इट्स सेइंग कि 35 मिनट लगेंगे मुझे पहुंचने में और 10:15 ऑलरेडी हो गए मुझे निकलते निकलते। 10:00 वॉज द कंटिन्यूइंग रूट फॉर 1 किलोमीटर। सो आई एम ऑलरेडी सुपर लेट, मुझे लगता है कि मैं 11 बजे तक पहुंचूंगा, बट एनीवेज लेट्स गो। Five hours later. Hey guys, so मेरा इवेंट हो चुका है ऑफिस का और मैं वापस घर जा रहा हूँ। इस समय अभी शाम के 6 हो रहे हैं, that's why you can see कि अंधेरा हो चुका है। इवेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, सब लोगों से मैं मिला, सारी टीम मेम्बर से पहली बार। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जब से मैंने लास्ट कंपनी एक्सेंचर ज्वाइन करी थी 2018, तब से मेरा वर्क फ्रॉम होम था और बहुत ही कम चांस मिलता था मुझे ऑफिस जाने के लिए। बट टुडे आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। थोड़ा सा हेडेक हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं इतने सारे लोगों से मिला, तो इस वजह से। एंड येस, ऑफकोर्स मैं दिखा नहीं सकता था कि क्या इवेंट था, क्योंकि मैं प्राइवेसी ये मेनटेन करना चाहूँगा कि मैं कौन सी कंपनी में अभी करेंटली काम करता हूँ। जब मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा देन डेफिनेटली आई विल से कि हाँ, मैं इस कंपनी में काम करता था। बट येस, सो अब मैं सीधे घर जा रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ घर जाके। सो गाइज, आई एम बैक होम, मतलब कि अभी लिफ्ट में हूँ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि ब्रेकफास्ट मैंने 9:00 पे कर लिया था, 9 AM पे, एंड जो मैंने उसके बाद जो सेकेंड मील खाया था वो था 2 बजे, और दोनों मील्स के बीच में इतना ज़्यादा गैप था। तो मेरा हेड इस समय बहुत बुरी तरह ब्लास्ट हो रहा है, बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, एंड मेरी नेक बहुत बुरी तरह पेन हो रही है क्योंकि सीट जो थी वो ऐसे थी एंड इवेंट हो रहा था इस साइड पर, तो कॉन्टिन्यूसली मुझे ऐसे देखना पड़ रहा था। सो फटाफट से जाऊँगा, थोड़ा सा कुछ आयोडेक्स या फिर कुछ लगाऊँगा एंड आई जस्ट रेस्ट। सो मैं आपसे मिलता हूँ शायद कल, अगर नहीं तो फिर मैं व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। एंड आई एल श्योर कि नेक्स्ट टाइम से जो व्लॉग्स होंगे वो काफ़ी बेटर होंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि ये जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा रैंडम था, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं आपको देखने को मिला इंटरेस्टिंग। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।